बिहार के अंदर में आपने देखा होगा कि 100 मर्तबे लोगों ने कहा होगा कि नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। सब लोग को यह अधिकार है कि अपने अपने नेता के बारे में राय रखे। कौन नहीं चाहेगा बिहार के लोग की जो हमारा नेता देश का नेतृत्व करे, और नेतृत्व कर रहे हैं। हम लोग इस बात से पूरी तरह से संतुष्ट हैं। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं वसीम। देखिए, 2024 का रन बेहद ही नज़दीक है और ऐसे में बिहार के साथ साथ देश की सियासत भी लगातार गर्माती जा रही है। जहां एक तरफ बेंगलुरु में तमाम विपक्षी दल एक मंच पर आए, दूसरी बैठक सफल हुई और अलायंस का नाम इंडिया रखा गया। दूसरी तरफ दिल्ली में एनडीए की भी बैठक बुलाई गई थी, मगर अब बीजेपी की तरफ से कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेडीयू के कद्दावर नेता, बिहार सरकार में मंत्री मदन सहनी जी हैं। मदन सहनी जी, दूसरी बैठक बेंगलुरु में हुई, अलायंस का नाम इंडिया रखा गया, अब इंडिया पर सियासत हो रहा है, कह रहा है कि तमाम भ्रष्टाचारी एक मंच पर आए और नाम भी रखा तो इंडिया ब्रिटिशर वाला। अभी देख लीजिए, एक तो पहली बैठक हुई पटना में तो उनके डर समा गए, दूसरा बेंगलोर में भी सफल रहा, और सबसे खासियत रहा कि नामकरण ऐसा हो गया जिसके वजह से उनको लग रहा है कि ये नाम बड़ा पॉपुलर है और लोगों की जुबान पर चढ़ने में समय नहीं लगेगा। तो इस सब चीज़ का जो रिजल्ट आ रहा है, इससे पूरी तरह से घबराए हुए हैं। और यह बात भारतीय जनता पार्टी और उनके साथ जो लोग छोटे छोटे लोग जुड़े हुए हैं, कोई बड़ा नेता उनके साथ नहीं है, बड़ा दल नहीं है, और हमको नहीं लगता कि कोई चेहरा वाला कोई भी नेता, आप लोग भी देखते होंगे कि अगर एक साथ उन लोग का मीटिंग हुआ है 38 दल का, उसमें कोई चेहरा प्रदेश स्तर का नहीं है, राष्ट्रीय स्तर का तो छोड़ दीजिए, और हमारे साथ जितने भी दल है 26 दल, उनका आप चेहरा देख लीजिए, राष्ट्रीय स्तर का एक नहीं अनेकों नेता हैं, दर्जनों नेता हैं। तो ये सारे चीज़ हम लोग के पक्ष में है, और एक बात हम लोग स्पष्ट करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता से आप अकेले में पूछ लीजिए तो उनका असलियत पता चल जाएगा। वो लोग समझ चुके हैं कि हम अब केंद्र के सरकार में नहीं रहेंगे, हम अब सत्ता से बेदखल होने के लिए जा रहे हैं, और यही डर उनके अंदर है, और उसी बौखलाहट में वो इस तरह का चिंता जाहिर करते रहते हैं कि कभी नाराज हो गए, कभी किसी को खुश कर देते हैं। कहीं कुछ नहीं है, बहुत तेज़ी से यह काम चल रहा है और उसमें सफलता मिल रहा है, और हम लोग इतना कह सकते हैं कि 2024 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी नहीं रहेंगे, निश्चित रूप से वो सत्ता से बेदखल हो जाएंगे, और इसका एक नहीं अनेकों वजह है। 9 साल 10 साल उनको मौका मिला और पूरी तरह आज़ादी से काम करने का अवसर मिला, लेकिन जो काम उनको करना चाहिए, जो भरोसा और जो घोषणा, जो वादा उन्होंने देश के जनता से किया था, उसमें कहीं भी वो खड़ा नहीं उतर पाए। उन्होंने कहा था कि हम देश के युवाओं को प्रत्येक साल 2 करोड़ नौकरी देने का काम करेंगे, उस लिहाज से 18 करोड़ नौकरी होता है, और कितना नौकरी मिला ये सब लोग को मालूम है। किसान के आय का हम बढ़ाने का काम करेंगे, वो किसान आज किस स्तर पर चले गए वो आप सबको मालूम है। महंगाई रोकने के बदले महंगाई तेज़ी से बढ़ गए और लोग उससे परेशान है, इस परेशानी को दूर करने में पूरी तरह से विफल रहे हैं, इसलिए यह सारे चीज़ उनके विपक्ष में है। और एक तरफ दूसरी तरफ हमारा जितना भी मजबूत नेता है और मजबूत पार्टी है देश स्तर पर विभिन्न राज्य में, वो सभी हम लोग एकजुट हैं और एकजुटता से हम लोग काम कर रहे हैं। हमारा प्लानिंग बहुत बेहतरीन है, हमारे नेता आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी इसकी अगुवाई कर रहे हैं और उसमें बहुत हद तक सफलता भी मिला है। आगे भी यह अभियान जारी रहेगा, तब तक रहेगा जब तक कि हम लोग उनको 2024 में सत्ता से बेदखल नहीं कर देते। कई बड़े नेता जो हैं वो एनडीए के साथ चले गए, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतनराम मांझी, ये तमाम जो हैं वो इंडिया का हिस्सा बन चुके हैं, तो आपको नहीं लगता कि थोड़ा खामियाजा तो आपको जो लोग बड़ा नेता लग रहे हैं वो लोग को कहिए लोकसभा में चुनाव लड़ के दिखा दे अपने बल पर। सभी लोग नीतीश कुमार के बदौलत चुनाव जीतते थे, इस बार उनका क्या हाल होगा उन लोग से जा करके पूछ लीजिएगा। 2024 में जब चुनाव होगा तो खाता नहीं खुलेगा बिहार से एक भी भारतीय जनता पार्टी या उनके गठबंधन में रहने वाले नेताओं का खाता नहीं खुलेगा। हम लोग 100% 40 का 40 सीट
बिहार से जीतेंगे। सुशील कुमार मोदी ने जो कुछ कहा है मदन सहनी जी कि संयोजक का सपना सजाकर बेंगलुरु गए थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मगर कुछ भी उनके हित में नहीं हुआ और कहीं ना कहीं अपमानित महसूस किए और फिर लौटकर नाखुश होकर आ गए। एक बात जान लीजिए कि कोई पद के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी कभी भी उनके मन में इच्छा दबा के नहीं रखते हैं, और संयोजक बनना या अन्य जिम्मेवारी मिलना ये तो सब मिलकर के तय करेंगे। खुद से चाह लेने से तो कुछ नहीं होता है, और खुद जो जिम्मेवारी उन्होंने उठाया है या निभाया है ये कम जिम्मेवारी लग रहा है। उनके ही अभियान पे, उनके ही निमंत्रण पर लोग पटना में जुटे, और पटना में ही तय हो गया कि अगली बैठक बेंगलोर में होगा, और उस बैठक में ही नामकरण भी हो गया, और अगला बैठक का भी जगह मुंबई में निर्धारित किया गया। ये तो सफलता ही है, और इस सफलता का श्रेय अन्य नेताओं के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को भी जाता है। इसलिए उनका जो यह सपना था, यह जो उन्होंने सत्ता से उनको बेदखल करने का जो उन्होंने मजबूती से रोल किया है, इसमें हम लोग समझते हैं कि उनको पूरी तरह सफलता मिला है और आगे भी मिलेगा। एक आखिरी सवाल, पीएम चेहरे को लेकर के भी अब विपक्ष की तरफ से आवाज़ें बुलंद होने लगी है। टीएमसी के सांसद ने कहा कि ममता बनर्जी में सारे गुण हैं पीएम उम्मीदवार के, उन्हें आगे करना चाहिए, क्या लगता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार? एक बात स्पष्ट है, बिहार के अंदर में आपने देखा होगा कि 100 मर्तबे लोगों ने कहा होगा कि नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। तो सब लोग को यह अधिकार है कि अपने अपने नेता के बारे में राय रखे, और सबकी इच्छा भी होती है, लेकिन ये तय तो सब लोग मिल के करेंगे ना। और फिर अभी तो हम लोग या हमारे नेता या जो दूसरे नेता हैं सब लोग तो यही कह रहे हैं ना कि पहले हम लोग एक साथ मिल करके चुनाव लड़ लेंगे, उसके बाद फिर आगे भी प्रधानमंत्री कौन बनेंगे ये हम लोग तय करेंगे। आप लोग के दिलों के भीतर भी ये चाहत है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आगे पीएम चेहरे की तरफ? अच्छा, ये सवाल कोई पहली बार तो नहीं आया है, और ये सवाल का जवाब हम लोग कोई पहली बार नहीं देंगे। कौन नहीं चाहेगा बिहार के लोग की जो हमारा नेता देश का नेतृत्व करे, और नेतृत्व कर रहे हैं, हम लोग इस बात से पूरी तरह से संतुष्ट हैं। आपने सुना मदन सहनी को स्पष्ट रूप से कहते नजर आ रहे हैं कि बेशक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में वो सारे गुण हैं जो एक पीएम में होने चाहिए, और बिहार पहले से ही इस बात को दोहराता रहा है। खैर, इस वीडियो में इतना ही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिहार के अंदर में आपने देखा होगा कि 100 मर्तबे लोगों ने कहा होगा कि नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। सब लोग को यह अधिकार है कि अपने अपने नेता के बारे में राय रखे, और सबकी इच्छा भी होती है। कौन नहीं चाहेगा बिहार के लोग की जो हमारा नेता देश का नेतृत्व करे, और नेतृत्व कर रहे हैं, हम लोग इस बात से पूरी तरह से संतुष्ट हैं।